नमस्कार आप सभी को। हम पहुंचे हैं अभी शक्तिपीठ, प्रसिद्ध शक्तिपीठ भद्रकाली मंदिर। ये आदिशक्ति माँ भगवती यहाँ पर वैष्णव रूप में पूजी जाती है। 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है। हिमालय मंदिर समिति आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती। जय माता भद्रकाली मंदिर। भद्रकाली मंदिर पहुँच गए, दर्शन कराते हैं आपको अंदर जाकर। जय माता दी। भद्रकाली मंदिर के नमस्कार आप सभी को। हम पहुंचे हैं अभी शक्तिपीठ, प्रसिद्ध शक्तिपीठ भद्रकाली मंदिर, और अभी हम माता जी के दर्शन करके आगे आपके बाद हम जाएंगे गुफा में। हम जा रहे हैं गुफा में, और उसके बाद अभी आपको कराते हैं गुफा के दर्शन। दर्शन तो मिलते हैं गुफा के पास, झरने के पास। झरने के पास और सभी को सब, अब हमने सबको देखा यूट्यूब में ब्लॉगर्स को, अब वैसे ही हम भी बनाते हैं ब्लॉग। हम पहुंचे हैं अभी गुफा के मुहाने पर, देखिए। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ऊपर से झरने के दर्शन, और इसी झरने के नीचे से गुफा के अंदर प्रवेश किया जाता है। और यह गुफा जो है भद्रकाली मंदिर के ठीक नीचे महादेव जी के मंदिर में निकलती। हमारे साथ अभी हमारे सारे डाइट के साथी और हमारे वरिष्ठ गुरुजन भी मौजूद हैं। देखिए आप, भद्रकाली मंदिर का गुफा के दरवाजे का मुहाना, मुहाने से हम प्रवेश कर रहे हैं अभी। यहाँ पानी बहुत है गुफा में, और यहाँ मोबाइल गिरने का भी खतरा है, बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है नीचे। देखिए अभी आज डेट है 5 अक्टूबर, गिरने का खतरा भी है। सवाल के रिकॉर्डिंग, और हमारे गुरुजी वापस आ चुके हैं अंदर से। ये गुफा है, हमारे राव जी वहाँ पर लगे हैं वीडियोग्राफी में आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यह बहुत बड़ी गुफा में प्रवेश कर रहे हैं हम। संभल के आना सर, संभल के आना। ये जो पाताल भुवनेश्वर में देखा था शिव जी की जटाएं, नेचुरल सोने के उससे बनी हुई है, ये प्रकृति के पानी से रिस के। देखो ये लास्ट में यहाँ ऐसी ये बहुत सारी भू आकृतियाँ बनी हुई हैं। मैडम हम आप नहीं गए। ये देखो अब यहाँ तो कुछ बगैर लाइट के दिखी नहीं सकता है, कुछ दिख रहा है अंदर तो बगैर लाइट के तो संभव ही नहीं है यहाँ देखना। बगैर लाइट के आना तो संभव ही नहीं है यहाँ, बगैर लाइट के कुछ देख पाना संभव नहीं है। हम मुश्किल से 50 मीटर अंदर पहुँचे होंगे। ये हमारी सकलिन दिख रही होगी आपको, वो पीछे जहाँ उजाला दिख रहा है वहाँ से हम आए हैं। लाइट जला के चलते हैं। आप लाइट जलाओ, मैं वीडियो बनाता हूँ। रास्ता बिल्कुल पत्थरों से बीच से। एक कैमरे में हमने लाइट जला रखी है और दूसरे से वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। देखिए हाथ पकड़ के, और ये बीच में देखो ये कलाकृतियाँ, और हमारी दर्शन हुए ऊपर से। ये बिल्कुल अंडरग्राउंड जो भूमिगत जो आकृतियाँ बनती हैं जल और भूमि की सहायता से, पानी के रिसने के कारण जहाँ जहाँ से पानी टपक रहा है, देखिए देखो ये वहाँ वहाँ से वो आकृति नीचे को लटकी हुई है।
क्यों क्यों साहब? स्टैंडर्ड माइक बोलते हैं ये, राव जी कह रहे हैं कि इसको स्टैंडर्ड माइक बोलते हैं। और देखो जहाँ से पानी टपक रहा है वहीं पर से जो आकृति है वो नीचे को आकार ले रही है। ये देखिए यहाँ पर ये पानी टपक रहा, ये पानी हमने हटाया तो ये आकृति टपक टपक के यहाँ तक पहुँच गई है। ये अगर हम कभी वो पढ़े तो भूमिगत जल के कार्य, ये भूमिगत जल के कार्य, भूमिगत जल के कार्यों के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। अंडरग्राउंड वाटर है और किस प्रकार अंडरग्राउंड वाटर टपक के कारण जो आकृतियाँ फॉर्म हो रही है ना, और इसमें ये तो मेरे ख्याल से पत्थरों का वो होगा ना, ये नहीं सर पत्थरों के आकार के, पत्थरों के रंग के हिसाब से, जहाँ चूने की चूने के पत्थर है तो वहाँ से जो पानी वहाँ से रिस के आया तो व्हाइट कलर का हो गया। जो जिस तरह का चट्टान से बह के आया है उस तरह की आकृति हो गई है। यहाँ पर ये शेष फन, शेष नाग के फन जैसी आकृति बनी हुई है। तो आगे चले सर, ऊपर कह रहे थे कि हम लास्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे, देखते कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए पूरा उल्टी छत जैसी, अरे गजब। यहाँ देखो सर इस सितारे, आसमान में सितारे देखिए, गजब, क्या बात है, क्या बात है। एक बार मैंने वो मिस्टर बीस्ट के वीडियो में देखा था ना, वो भी ऐसी गुफा में गए थे तो यही चमक रहे होंगे। यहाँ चमगादड़ भी घूम रहे, देखो यही चमक रहे होंगे। ये लाइट लगाई, लाइट लगाई तो स्टार जैसी आकृति दिख रही है। चमगादड़ अब हमें अंदर आने नहीं देंगे लग रहा है, आपको चमगादड़ दिखाई दे रहे होंगे, हमको ये इनका डिस्टरबेंस हो रहा है। ये आकृति दिखाते हैं हम मेन यहाँ पर, वो आकृति हो गई और ये आकृति हो गई, देखिए ये चमगादड़ हमारे फोन को गिराने वाले हैं अभी। अब राव जी कह रहे हैं कि थोड़ा आगे जाते हैं, अब इन्होंने देखो ये बड़ा कठिन, यहाँ पर लग रहा है कि हम जरा और कठिन परिस्थिति में आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ चमगादड़ों को डिस्टर्ब हो रहा है हमारे उससे, यहाँ पर एकदम से पत्थर समाप्त हो गए हैं। आप नदी में देख रहे होंगे जो एकदम से पत्थर थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब इससे आगे पानी भी गहरा है, इससे आगे पानी गहरा है तो हम आगे जा नहीं पाएंगे। और ये चमगादड़ हमको रह रहे के डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम आपको ये आकृतियाँ दिखा सकते हैं थोड़ा बहुत, यहाँ से इनको डिस्टर्ब हो रहा है बेचारों को, इसलिए हम इनका जो है इनके प्राइवेसी का सम्मान रखते हुए, बहुत सारे रावत जी देख रहे होंगे चमगादड़ों से बचे हैं बहुत सारे, क्यों राव साहब बहुत सारे चमगादड़ दिखाई दे रहे हैं। अब इनकी प्राइवेसी का सम्मान रखा जाए और यहाँ से धीरे धीरे लौटा जाए। क्यों साहब आकृति हम आपको दिखा चुके हैं, ज़्यादा हाथ ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि चमगादड़ टकरा जाएंगे। तो जाना कैसे, तो हम आपको आगे मिलते हैं गुफा के मुहाने पर। विज्ञान में हमने सुना था पराश्रव्य तरंगे जो चमगादड़ों को चलने के लिए दिशा निर्देश देती हैं, तो यहाँ हमने देख भी लिया। तो यहाँ पर लगभग मेरे ख्याल से हजारों की संख्या में चमगादड़ है, लेकिन हमसे कोई नहीं टकरा रहा क्योंकि उसका हमको भान हो जा रहा है। फिर से यहाँ पत्थर शुरू हो गए, चिकने चुपड़े पत्थर, आराम से मोबाइल पानी में गिर जाएगा तो रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगी। तो ये आकृतियों को दिखाते हुए हम आपको वापस चलते हैं। जैसे कि मैंने बोला था मिस्टर बीस्ट ने ऐसी चीज़ दिखाई थी हमको अपनी गुफा के अंदर, बिल्कुल लाइट पड़ने पर ये ऐसा लग रहा है कि तारामंडल जैसा चमक रहा है। जो पानी की बूंदें हैं देखिए आप, ये है पानी की बूंदें, लग रहा है जैसे आसमान में हम नीचे से तारे देख रहे हैं। ये इस प्रकार की आकृति आप देख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल चमक रही है, बिल्कुल पूरी इसमें लाइट पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि चमक रही है पूरी। और वो देखिए बड़ी आकृतियाँ, चलिए हम आपको धीरे धीरे अब गुफा से बाहर की ओर ले चलते हैं। यहाँ चमगादड़ों की प्राइवेसी में दखल दे रहे हैं हम लोग, ये ज़्यादा उचित नहीं है। तो यहाँ आने के लिए बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी और धीरे धीरे हम गुफा से बाहर की ओर चल रहे हैं।
जैसा कि मैं अपनी साइड कैमरा करके कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी दिख नहीं रहा होगा। राहुल जी आ रहे हैं पीछे से, अब थोड़ा बहुत मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको। और राहुल जी वहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, गुफा के बाहर ले चलते हैं। आइए सर, आइए आइए, हम आप इधर को। हाँ, अब हम धीरे धीरे निकलते हैं गुफा से बाहर की तरफ। अभी थोड़ा उजाला, रास्ते का चैलेंज खत्म नहीं हुआ हमारा। उजाला करना पड़ा, अंदर तो पूरा खुप्पा अंधेरा है। वैसे मजा आ गया बीजी। हाँ, लेकिन जो आकृति हम देखते थे ना, ये इस तरह बनी है, ऐसे बनी है, वो हमने यहाँ स्पष्ट देख ली। तो आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं तरफ। अब हम निकलते हैं बाहर की तरफ, ढूंढते हैं अपने साथियों को, क्या हुए भी आने की कोशिश कर रहे हैं या बाहर बाहर ही झरने की फोटो खींच कर निकल गए। अभी तक शायद कोई आ नहीं पाया है। अब ऐसा लग रहा होगा कि अब हम उजाले की तरफ आ गए हैं, रास्ता वही है। अब मैं आपको दिखाई दे रहा हूँगा, लेकिन परिस्थितियाँ वही कठिन है। अंदर पानी से होते हुए जाना पड़ रहा है, और ये मोबाइल का रिस्क ले रहा हूँ मैं, क्योंकि ये पत्थर फिसलन वाले भरे हैं और कभी भी गिर सकते हैं। आपको बाहर जाके दिखाता हूँ, थोड़ी देर बंद करना पड़ेगा कैमरा। हमारे शिक्षक साथी भी पहुँच चुके हैं यहाँ पर। अब आपको गुफा के एंट्रेंस की चारों तरफ की लोकेशन दिखाते हैं। ये वो रास्ता है जहाँ से हम आए, और ऐसे ये बाहर भी बहुत सारी कलाकृतियाँ बनी हुई है। यहाँ पर इतना बड़ा झरना, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर आके फोटोग्राफी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये गुफा का द्वार है, यहाँ से 100 मीटर अंदर तक। हम पहुंचे हैं अभी यहाँ पर भद्रकाली टी स्टॉल में, और यहाँ पर यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि यहाँ माता का इतिहास थोड़ा बहुत जितना भी हमें पता चलता है। सुनाना पता रहेगा जब हम मंदिर में। हाँ, शिमाली मंदिर में पूरा में रह गए। माता की खरे नागे बैठ गई थी। अच्छा, खरे नागी में मंदिर शिमाल समाचार शिमाली में खरे नाग सब खे नागे खरे नाग बी थी माता है वहाँ पे बैठी पूरा बता रहा उन्होंने बैठ गया पूरा बता रहा है शिमाली के मंदिर इले बैठ गई थी। जो है माँ बद्रीकाली की हम गुण गाथा तो क्या कह सकते हैं। फिलहाल ये आदिशक्ति माँ भगवती यहाँ पे वैष्णव रूप में पूजी जाती है। 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है, पिंडी रूपों में यहाँ पर पूजा होती है। शांति स्वरूपा माँ भगवती कन्या रूप वैष्णव रूप में यहाँ पे पूजी जाती है। ज़्यादा माँ की महिमा का तो ऐसे तो क्या बखान कर सकते हैं हम, यहाँ पर हम इतना कहना चाहूँगा। बोले जगदम्बा माता की जय। ठीक रहता है उस बारे में दैत्य की कहानी की। हाँ, जो दैत्यराज ने खरे नाग जी के वहाँ से उन्हें शादी का प्रस्ताव माँ कन्या रूप में जब हिमालय में पहले तो हिमालय में रहते देवता तो माँ ने बोला कि यार कहाँ शादी, तो उन्हें विकट बारिश जो करवाई तो उसमें माँ भर करके वहाँ से यहाँ पर तक पहुँचे, ऐसा कुछ बताते हैं हमारे गुरु जी। यहाँ पर आँखें खोली, पानी जो है नीचे से निकल गया, जो आज भी आपको धरातल पर दिखता है कि गुफा के ऊपर में मंदिर है, नीचे से पानी निकलता है। और वैसे भी हमारे भगवती का अगर गुणगान वाली बात करें तो दुर्गा स्तोत्र में सप्तशती में पहले भी लिखा गया है, अग्नि ज्वाला रौद्रमुखी काललाती तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया चौधरी, जिसके चारों ओर जल है। धरातल में वो आपको दिख रहा होगा, ऊपर से बिल्कुल, बिल्कुल, आगे से नीचे से, नीचे कुंड में त्रिवेणी बनती है। तो इससे इसको हम कैसे नकार सकते हैं, जो प्राकृतिक चीजें हैं इससे हम नहीं कह सकते। ज्यादा महाराज अगर ज्यादा विस्तृत कहना तो बहुत अथाह गहराई में जाना पड़ेगा। भगवती की महिमा अनंत अनंत तो धन्यवाद आपका। ठीक है, धन्यवाद।